दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सिमुलेशन, एक बहुत ही बेहतरीन सिमुलेशन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। यह सिमुलेशन बेसिकली सिमुलेशन, पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि सिमुलेशन हम लोग क्यों करते हैं। सिमुलेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे विजुलाइजेशन अच्छा होता है, एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें अच्छे से समझ में आता है, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपका कोई भी फिजिकल डिवाइस नहीं यूज़ होता है। तो इसको बिना समय नष्ट करे बगैर हम इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको यह है समझाना चाहूँगा कि एक रे और वेव में क्या डिफरेंस होता है। एक रे जो है वो एक सिंगल लाइन है, और एक वेव पे अगर हम क्लिक करें तो ये वेव है जो कि कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। अब देखो दोस्तों, ये है, ये जो एक सेटअप है, यहाँ पे मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा और रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये वाला सरफेस है, इसका ये हमने एयर लिया है, और नीचे वाला जो सरफेस है यहाँ पे हमने वाटर को सिलेक्ट किया है। तो जब ये एयर है और ये वाटर है, और जब भी हम रे की बात कर रहे हैं, तो देखिए जब मैं इस रे को मैंने यहाँ से ऑन किया तो ये रे जो है यहाँ पे रिफ्रैक्ट भी हुई है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ है और ये रिफ्लेक्शन हुआ है, क्योंकि पानी से, पानी की सरफेस से कुछ ना कुछ तो लाइट बैक मारेगी, टकरा करके ऊपर भी जाएगी और कुछ लाइट नीचे जाएगी। जो ये लाइट, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसके अंदर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस बराबर होता है। इसको हम इस डी से मेजर भी करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 60 डिग्री पे लाइट आ रही थी और 60 डिग्री पे ही जा रही है, तो इससे ये समझ में आता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस है वो दोनों बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो शैनल्स लॉ ये कहता है रिफ्लेक्शन का, कि जब भी कभी लाइट एक हल्के मीडियम से एक गाढ़े मीडियम में जाती है, यानी कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ झुक रही है। तो ये लाइट को अगर आप जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाओगे, देखिए इसके साथ ये वाला एंगल तो सेम बढ़ेगा क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, और जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ आप देखिए ये वाला एंगल भी बढ़ रहा है, लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है जिस रेशो में ये बढ़ रहा है। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं इसको घटा रहा हूँ तो वो वाला एंगल भी घट रहा है इसके साथ, लेकिन ये नहीं घट रहा है, ये कम घट रहा है। तो एक चीज़ तो ये। अब देखिए दूसरा, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो मैं इंटेंसिटी भी आपको मेज़र करके दिखाता हूँ कि पानी के अंदर अगर लाइट आ रही है कहीं से तो उसकी कितना परसेंट रिफ्रैक्ट हो रही है। देखिए 91% यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है, और अगर हम रिफ्लेक्शन चेक करें तो ऑब्वियसली जो बाकी शेष बचा है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि 100% लाइट है ये। तो 100% में से अगर यहाँ पे 8.57% है तो यहाँ पे उसका शेष 91.43% है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसका दोनों सरफेस से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसको अगर हम वेव में कन्वर्ट कर दें तो वेव में भी वो बिल्कुल सेम जो प्रक्रिया आपकी रे में हो रही थी वही सेम आपकी वेव में भी हो रही है। तो खैर इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ना हम दोनों को एयर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से इसको मैं एयर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एयर को सिलेक्ट किया तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, यानी कि दोनों ही रेयर मीडियम हो गए, तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन मतलब वो लाइट सीधी की सीधी पास हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ग्लास बना दिया यानी कि मैंने डेंसर ज़्यादा कर दिया, तो इसमें देखिए जैसे ही मैंने डेंसर ज़्यादा किया तो ये लाइट उसके मुकाबले में, पहले के मुकाबले में कम बेंड हुई है। देखिए अगर मैंने वाटर रखा था तो ये ज़्यादा यहाँ से ये ज़्यादा बेंड नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कर दिया ग्लास का तो ये देखिए बेंड ज़्यादा हो गई। तो इससे यह समझ में आता है कि अगर जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का ज़्यादा होगा तो लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड करेगी। बेंड करने का मतलब ये देखिए बेंड यहाँ से मैं कह रहा हूँ, और अगर हम यहाँ से नॉर्मल से इसकी बात करें तो नॉर्मल से वो उतनी ही कम खुलेगी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और बढ़ा रहा हूँ तो और बढ़ाने पर ये और कम खुल रही है, और अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो देखिए ज़्यादा खुल रही है वाटर में, और वाटर में तो खैर बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगी क्योंकि वाटर में भी ये रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन एयर में जाते जाते बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे ये समझ में आया कि लाइट का खुलना वो डिपेंड करता है कि दूसरा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे सरफेस का कितना है। अगर दूसरी सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वह कम खुलेगी, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा तो वह लाइट खुलना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। या देखिए जैसे वाटर का आया तो और ज़्यादा खुल गई, और जैसे एयर का आया तो वह और खुल गई। तो इससे ये समझ में आया कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो करना ही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो होता ही होता है क्योंकि रेरर से डेंसर में जाती है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल है। और वो नॉर्मल के जो बेंडिंग है वो डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड करेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका कम होता जा रहा है तो वो उसकी बेंडिंग जो है वो भी कम होती जा रही है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ कम होती जा रही है। तो आशा करता हूँ यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी।